तो सेकंड मिस्टेक है पिक होल्डिंग का, कि तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं पिक एंड देन अपना हाथ ऐसे मोड़ के प्ले करते हैं, तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर रिस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, और बहुत सारे लोग बहुत दूर से पकड़ते हैं पिक को तो ये विगल करती है, फिर वो लोग जो लीड पार्ट्स होते हैं या फिर जो एक्सरसाइज होती है उसमें बहुत स्लो हो जाते हैं। देखो बेस्ट पोजिशन मैं आप लोगों को बताता हूँ, अपने पिक को अपने लेफ्ट हैंड से, ठीक है, जो इसका पॉइंटिंग वाला पोजिशन होता है वो पकड़ो, ठीक है, और फिर परपेंडिकुलर अपने थंब को लाओ, ओके, एंड देन अपने जो इंडेक्स फिंगर है उससे इसको ऐसे करके कैरी कर लो ऊपर से, एंड दिस इज द बेस्ट पोजीशन जिससे आप लोग अपनी पिक पकड़ सकते हैं, और इसको हल्का सा अंदर को पुश कर लो तो और बढ़िया, बिकॉज जितना आप लोग इसको यू नो जितना इसका जो बाहर का पॉइंटिंग है जितना कम दिखाओगे उतना ही सॉलिड रहेगा, उतना ही ईजिली आप लोग जल्दी जल्दी प्ले कर पाओगे, जितना इसे दूर रखोगे उतना ही विगल करेगा, उतना आप लोग स्लो हो जाओगे, ठीक है, तो उसको हल्का सा पास रखो, एंड देन हल्का फुल्का एडजस्टमेंट चल सकता है, बहुत सारे लोग इंडेक्स फिंगर को सीधा करके पकड़ते हैं, ठीक है, पॉइंटिंग की तरफ, तो वो भी चल सकता है, बट आप लोगों को मैक्सिमम जो पोर्शन है पिक का वो अपने हाथ के अंदर रखना है, हाथ के बाहर नहीं रखना।